हाँ भाई बोल क्या? नहीं 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 तो ये जो खुशी देख रहे हो ना मेरे चेहरे पर, ये ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। भगवान ने बोला कि बहुत खुश हो लिया तू, अब तुझे थोड़ा दुखी करने का टाइम आता है। पर वो भी नहीं जानते अब अपना दिमाग सही दिशा में दौड़ रहा है, इसमें अपन इतना ज़्यादा दुखी नहीं होते। तो बस उसी के साथ मुझे जो कॉल आया वो आप लोगों ने पहले देखा, उसके कॉल में क्या था वो आप लोगों को अब पता चलेगा। तो आगे की कहानी देखो इस कॉल के साथ। अभी इसका फोन क्यों आ रहा है? हाँ भाई बोल क्या? नहीं 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 मजाक मत कर। अबे मुझे कल मिलने जाना है उससे। नहीं 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 मजाक मत। अरे लग गए। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको कभी घर से बाहर निकलना हो किसी काम के लिए, अब बस निकल नहीं जाते हो कि बिन बुलाए मेहमान घर आ जाते हैं, जिसके वजह से आपका इम्पोर्टेंट काम रुक जाता है। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। फिलहाल तो पूरी दुनिया में एक ही मेहमान है जिसने पूरी दुनिया का दिमाग ख़राब किया हुआ है, और वो है कोरोना। बस वही फिर से न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में आ गया। सिर्फ 3 केस। तीन केस में कौन डरता है यार, कभी हिंदुस्तान जाओ पता चलेगा। हज़ारों केस में भी ऐसे घूम रहे हैं जैसे दिवाली मना रहे हो, और यहाँ पे 3 केस में लेवल 3 का लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। जो हमारे इम्पोर्टेंट काम थे वो सारे बंद करने पड़े हमें, और सभी लोग घर में बैठे। देखो भाई ये शादी नहीं है, मेरे दादाजी ने मुझे दी थी जिस पे यहाँ पे राम लिखा हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से ये उंगली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं देव के लिए, जो होता है जिससे हम तिलक करते हैं, जिससे हम जो पूजा वाला सारा कुछ होता है ना, तो इससे करते हैं। इसलिए राम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस उंगली में पहला है। कोई पूछे इससे पहले ही मैं बता दूँ, कुछ ऐसा है नहीं, दादा की कृपा है। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनो। तो एक पोस्टमैन होता है जो हर रोज एक एरिया होता है उसमें अपने सारे पोस्ट जो उसको दिए जाते हैं वो हर एक घर में पोस्ट करने जाता है। तो एक घर होता है जो बंद होता है, जो कभी भी जाए ना वो वहाँ पे, तो कितने भी पोस्ट डाले वो घर पे कोई पोस्ट उठाता नहीं था, क्योंकि घर वो लॉक था, जाता था वो। तो ऐसे ही 1 महीना गया, वो 2 महीना गया, वो 3 महीना गया, 4 महीना गया, ऐसे 1 साल तक उसने लगातार पोस्ट वो डालता रहा। तो फिर क्या हुआ, 1 साल बाद उसको एक पोस्ट आया, फिर उसने वो पोस्ट को देखा और वहाँ पे उस घर का एड्रेस था। तो उसने सोचा कि इसको क्या वहाँ पे फेंकना यार, क्योंकि वहाँ पे तो कोई उठाता है नहीं, तो उसको वहाँ पे फेंक के क्या करेगा। तो उसने क्या किया, उस पोस्ट को फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया, और वहाँ पे वो डालने नहीं गए। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में भी, जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो भगवान हमारे दिमाग में ऐसे ही सारे आइडियाज़, ऐसे ही सारे पॉजिटिव थाट्स डालता है, पर हम क्या करते हैं उसको निगलेक्ट करके हमारी ज़रूरतों पे और हमारे टेंशन पे, हमारे वरीज पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ समय बाद हमें वो आइडियाज़ आना भी बंद हो जाता है, हमें वो थॉट्स आने भी बंद हो जाते हैं, फिर हम वो एक कहते हैं ना कि भीड़ में चलते रहते हैं, और हमारा जो यूनिकनेस है
उस पर हम लोग कभी भी फोकस नहीं करते। अपने ख्यालों को बंद करके एक डिब्बे में डाल के फेंक मत दो, उसको लिख लो और फिर उसी में कुछ आगे करने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो थॉट्स वो डाल रहे हैं, वो डालते रह रहे हैं हमें उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको सोच के ऐसे बंद करके फेंक दिया। जो दिल में आता है लिख लो और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं तो यही कर रहा हूँ भाई अभी, ठीक है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा हूँ। किसी को सही लगता है, किसी को नहीं लगता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर होने चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें हमारी ज़िंदगी खुद चलानी है, ना कि हम पैसेंजर सीट पर बैठ के कोई अपना हमें वो ड्राइविंग सीट पर चलाए। आजू बाजू वाले तो बोलते रहेंगे भाई ये कर वो कर इधर जा वो कर, वो सब चलता रहेगा, उस पर उतना ज़्यादा फोकस करना नहीं है। करना है इधर और इधर और इधर, और ये सारा एक दिशा में जाना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा और अच्छा भी फील होता है। देखो पॉजिटिव फील होता है, मुझे हो रहा है इसीलिए, मैं कोई ऐसा एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी हो रहा है आप लोग के साथ शेयर करते हुए पॉजिटिव फील। मुझे ये अच्छा लगता है पॉजिटिविटी को शेयर करना, बढ़ाना, तो मैं ये करता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, को डांस अच्छा लगता है डांस करो, को नेतागिरी अच्छी है नेतागिरी करो, गाना है तो गाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो करना है दिल से करो, मज़ा आएगा। मैं अभी एक कोर्स कर रहा था, उसमें एक बहुत ही बड़ी और अच्छी लाइन आई थी। उसमें बताया गया था कि अगर मछली को बोला जाए कि तू पूरी ज़िंदगी पहाड़ चढ़, तो वो कैसे चढ़ेगी? वो अपनी पूरी ज़िंदगी यही सोचेगी कि वो इन चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं है। तो बस यही है, हर बंदा अपने आप में यूनिक है, ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस बना के साइड पे मत कर दो, और अपनी वीकनेस पे फोकस करके उसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो और जिसमें मन लगता है वो करो। ये स्टोरी मेरे एक काफ़ी ख़ास दोस्त ने मुझे शेयर की थी, जो सुन के मेरा दिमाग तो खुल गया था। तब मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ, तो आज दो दिन से लॉकडाउन में घर पे पड़ा हूँ, तो सोचा आप लोग के साथ, इसी के साथ आज की कमाई को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कितना पैसा कमाएगा इससे, अभी तो 250 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए तेरे, कितना पैसा कमाएगा? तो पैसा नहीं, अपन जनता कमा रहे हैं, 250 लोग अपने को देख रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा था ना, उसमें उसने बोला था कि ऑलवेज बी हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। मैं 250 में खुश हूँ, पर इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अपने को और चाहिए और चाहिए और आगे चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करें और फिर हमारा वीडियो ना देखें। उससे अच्छा है जो देख रहे हैं उतने देखें, खुश है अपन। बाय।